हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिंतन बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का मार्गदर्शन मिला और राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। संगठन और सशक्त बनेगा राजनीतिक मुद्दों पर हम और मुखर होंगे। राजस्थान में भाजपा का भविष्य बहुत दूर तक उज्जवल दिखाई देता है। मिशन 2023 फतह करेंगे, डॉक्टर सतीश पूनिया। चिंतन बैठक में समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों की, जिलों और संभागों की समीक्षा हुई, डॉक्टर पूनिया। डॉक्टर पूनिया ने कुंभलगढ़ में भगवान परशुराम की तपभूमि में भगवान परशुराम महादेव के दर्शन कर भाजपा के मिशन 2023 के सफल होने का आशीर्वाद लिया। चिंतन बैठक में जो मंथन होता है उससे अमृत निकलता है। पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की महत्वपूर्ण बैठक थी, डॉक्टर पूनिया। 22 सितंबर 2021 भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के मार्गदर्शन में कुंभलगढ़ में आयोजित हुई भाजपा चिंतन बैठक, मिशन 2023 और प्रदेश भर में संगठन की आगामी कार्य योजना के बारे में कुंभलगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि वीर योद्धा महाराणा कुंभा का यह अजय किला, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, वह धरती अपने आप में आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्रों में नई ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर पूनिया ने कुंभलगढ़ में भगवान परशुराम की तपभूमि ग्राम उदावड़ में भगवान परशुराम महादेव के दर्शन कर प्रदेश की उन्नति की प्रार्थना की एवं भाजपा के मिशन 2023 के सफल होने का आशीर्वाद लिया। चिंतन बैठक के दूसरे दिन प्रातः निरोगी स्वास्थ्य व स्वस्थ मन के संदेश के साथ वरिष्ठ नेताओं ने योग किया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि हम राष्ट्रवाद और अंत्योदय के विचारों को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के मार्गदर्शन में हम सभी को नई ऊर्जा मिली है। मिशन 2023 का पार्टी का जो लक्ष्य है वह यह है कि जो परसेप्शन है कि एक बार सत्ता में भाजपा और एक बार कांग्रेस, इस धारणा को जनता के आशीर्वाद से खत्म करेंगे। हमेशा राजस्थान में भाजपा की सरकार बने इसके लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाजपा संगठन की खूबियां से सत्ता में आना चाहती है, इस कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। संगठन और सशक्त बनेगा राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग और मुखर होंगे। मुझे राजस्थान में भाजपा का भविष्य बहुत दूर तक उज्जवल दिखाई देता है। हम लोग पार्टी के मिशन 2023 को फतह करने के साथ ही पुरानी धारणा को तोड़कर जनता के आशीर्वाद से हमेशा भाजपा राजस्थान में सत्ता पर काबिज रहे, इस दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठीक तरीके से काम करेंगे तो राजस्थान की जनता का भला हो जाएगा, नहीं तो पिछले 2.5 सालों में उन्होंने किसान और युवाओं के साथ वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार चिंतन बैठक पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। यह सकारात्मक है कि लंबे समय हम सभी लोग एक साथ बैठे हैं तो चिंतन बैठक में जो मंथन होता है उससे अमृत ही निकलता है। पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का हमें मार्गदर्शन मिला और राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। प्रदेश में संगठन की एक समर्पित टीम है जिसमें कोर कमेटी के सदस्य, संभाग प्रभारी, महामंत्री, इन सभी के साथ संवाद कर पार्टी की नीचे तक के संगठन की समग्र चर्चा की। इन दिनों सशक्त मंडल अभियान और सेवा और समर्पण अभियान चल रहे हैं और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे उन पर हमें अभी भी कार्य करना है। चिंतन बैठक में समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों की, जिलों की और संभागों की समीक्षा हुई और इस समीक्षा के बाद जो एक्शन प्लान बनेगा उसको हम धरातल पर लागू करेंगे। संगठन के कार्यों की समीक्षा और मिशन 2023, इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चिंतन बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। पार्टी को पूरे प्रदेश में भौगोलिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने, पार्टी को संभागों में और अधिक मजबूत करने, जिलों का संगठन और मजबूत हो, मंडल सशक्त हो और बूथों पर भी नीचे तक मजबूती हो, पन्ना इकाइयां मजबूत हो, इत्यादि विषयों पर भी चर्चा हुई। भाजपा की सरकार बनने पर कुंभलगढ़ से लेकर मेवाड़ क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए राज्य संबंध से खास रिपोर्ट।